नमस्ते प्रणाम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और चलिए आज मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और सबसे पहले आज हम क्या करने चल रहे हैं वो आप लोग को हम बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। और सबसे पहले मेरे घर देखिए क्या आया है, मछली आया है, फिश आया है, तो आप लोग देख सकते हैं। खड़ा खड़ा मुड़ी दिख रहा है, देखिए ताक भी रहा है। और अच्छे से इसको धो चुके हैं और जा रहे हैं बनाने। आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को दिखा रहे हैं जो हम बना कैसे रहे हैं। और सबसे पहले इसका मसाला मिक्स कर दें और बना के दिखाते हैं आप लोग को। फ्राई करके पहले दिखाएंगे, ग्रेवी उसमें डालेंगे वो भी दिखाएंगे। और ये देख सकते हैं सभी मसाला इसमें मिक्स करके हम मछली इधर फ्राई के लिए डाल चुके हैं। और मछली मेरा फ्राई हो रही है, तब तब फ्राई हो रही तब हम अपना दूसरा काम कर लें। और देखिए इसमें सरसों और लहसुन मिर्चा का पेस्ट है, हल्दी है, नमक है, स्वाद अनुसार नमक डाले हैं क्योंकि फ्राई में इस तरह के डाल दिए हैं। और ग्रेवी जब डालेंगे तो ग्रेवी के स्वाद अनुसार डालना पड़ता है, इसमें इसका स्वाद अनुसार फ्राई में थोड़ा कम भी नमक चलेगा और ग्रेवी में तो अच्छे से नमक डालना पड़ता है। और चलिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, हमको एक चीज़ आया है। और ये देखिए देखिए ये किसी के गांव से आया है, क्या बोला जाता है, तो एक आदमी दे गया है कि लीजिए आप बनाइएगा। और इसको क्या बोलते हैं, सेम सेम का सब्जी और भुजिया बहुत टेस्टी बनती है। और बैंगन आलू के साथ मिक्स करके बनाइए तो बहुत टेस्टी बनती है। मानते हैं जो जिसका तो बहुत कोई तो अपना वो रूप करके खाते हैं, हम लोग तो उनको सुविधा नहीं है तो कोई बातें नहीं है। बाकी ये सब रोप दीजिए, थोड़ा सा ये इसका बीज लगा दीजिए और जब लतरता है बहुत ज़्यादा फटता है। मेरे बगल में मेरा दोस्त का घर भी फटता है, और अभी मेरे दोस्त का घर से नहीं आया है, आज एक अंकल भी दे गए हैं, बोले हैं जी लीजिए आप भी बनाइएगा। तो हम बोले ठीक है अंकल जी, तो हम ले कर रख दिए हैं। हम मछली धो रहे थे तब तक वो ले आके दे रहे हैं, कलर प्लोथिंग तो हम कह रहे हैं क्या है, तो बोल रहे हैं लीजिए ना बनाइए। तब देखे तो कह रहे हैं वो आज सुबह सुबह सब्जी बना रहे थे तो सेम हम याद किए थे, तब तक आइए गया है। तब आप लोग बने रहिए, तब तक चल रहे हैं, थोड़ा कपड़ा धो के रखे हैं, सुबह में धोए हैं, अभी तक ले पसारे नहीं हैं तो कपड़ा पसार दें हाथ धो करके, क्योंकि मछली तो अपना फ्राई हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये धनिया पत्ता महिया काट के रख चुके हैं, इसमें दो ठो टमाटर डाल चुके हैं और बड़ा बड़ा वाला नहीं छोटा छोटा वाला, तो इसमें छोटा छोटा दो ठो टमाटर काट के डाल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें दिख भी रहा है। और मसाला फ्राई कर रहे हैं, तो मसाला का कलर ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और ये देखिए मेरा मछली रेडी हो गया है। किसको किसको खाना है आप लोग आइएगा मछली खाने, और मछली बहुत टेस्टी बन रहा है और फ्राई तो अच्छा हमको दिख रही है। और जो नहीं पहुंच पाएंगे वो अपना खरीद के बना के खा लेंगे, और अच्छा सा स्वाद। और देखिए और ये मसाला जब तक ब्राउन नहीं होगा तब तक इसको चलाते रहना है, ब्राउन ये दिखने लगता है तब इसमें ग्रेवी के लिए पानी रखना चाहिए। और नमक भी स्वाद अनुसार डालेंगे और पता नहीं टेस्ट करने के बाद पता चलेगा, तब तक बना लेते हैं। और बाद में जब इसका ग्रेवी डाल देंगे तो इसका ग्रेवी को टेस्ट करेंगे नमक कैसा है, और टेस्ट करके फिर बताएंगे। तब तक ये अपना फ्राई हो रहा है, और तब तक बहुत सारा कपड़ा है इधर देखिए धोआ हुआ कपड़ा ले के रखे हैं, ये सब से ही हरना है। और इधर दो ठो साड़ी निकाल के रखे हैं, इसको फोल्ड करना है। और सब एक्के में बाबू घोंच घोंच कर दिया है तो सबको सिंगारना है। और ये साड़ी का कलर हमको बहुत सुंदर लगता है, एकदम रेड है, हमको भी अच्छा लगता है ये साड़ी और देह पर भी अच्छा लगता है। और चलिए मेरा मछली बन गई है, और नज़दीक से आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मछली का कलर कैसे दिख रहा है, अभी डोहों का लहल है। और
ग्रेवी इसमें लगा चुके हैं और ये थोड़ा सा होता है तो ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मछली अच्छे से पक जाती है। मछली बन के रेडी हो गया और यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों।